गत रात्रि मंडला के महाराजपुर थाना में मध्य रात्रि के बाद जब NSUI जिला महासचिव सोनू परोचिया अपने भाई के जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे, तब रास्ते में हैप्पी यादव ने बोलेरो वाहन से सोनू के दो पहिया वाहन को टक्कर मारी और उन्हें रोककर उसे पिस्तौल से गोली चलाकर मार दिया, जिससे मौके पर ही सोनू की मौत हो गई। सोनू को रात में ही मंडला जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत डॉक्टरों ने पुष्टि कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से अपने वाहन सहित फरार हो गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय सिंह परिहार ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी बीच कांग्रेस नेता बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा अपने साथियों के साथ आरोपी की गिरफ्तारी के न होने के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। प्रदेश में इस खबर को लेकर राजनीति गरमाने लगी है, जहां प्रदेश के पूर्व मंत्री PC शर्मा ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं मंडला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने आरोपी युवक पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। मंडला से अनिल जांगड़े की रिपोर्ट।